डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन है, एक्सरसाइज 45। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आप लोग डिवाइड तो जानते ही हैं, क्लास थ्री से ही डिवाइड, इससे पहले भी शुरू हो जाता है क्लास टू क्लास थ्री, इसीलिए डिवाइड आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट्स जो दिया हुआ है इसमें, वो पॉइंट प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हटाया जा सकता है, इस पॉइंट का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करता है और अलग अलग तरीके हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, फिर ही सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वैसे कुछ है नहीं, आसानी से ये बना सकते हैं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक 4 नंबर का और एक 17 नंबर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं दो एग्जाम्पल के मदद से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और यह है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई में कि हम इसको बिना पॉइंट्स रखे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये बिना पॉइंट रखे। इसको 4 से इसको डिवाइड करना है, 8 4 8, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 2 8 हो गया 8, तो ये तो कट गया, 4 यहाँ आया, 4 1 4 जाएगा 1 बार में और ये कट गया, फिर नीचे 8 आया और 4 2 8 यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे ये पूरा पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पे 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.12, और ये बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, तो इसको पहले आप करते हैं। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 4 7, यहाँ पे पॉइंट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कितना बार में जा रहा है, 5 6 30, ये हो गया 5 6 30, तो यहाँ पे 30 मतलब 4 बच गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 7 और 5 9 45, ये हो गया 9, तो यहाँ पे 45 कितना हो गया, 2, ये तो गया नहीं, इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट तो ऑलरेडी पॉइंट तो रहता ही है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 5 5 4 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 देते हैं और ये कट गया। अब कटा जाके मतलब इसमें रिमाइंडर, ये कम्प्लीटली कट गया था और ये रिमाइंडर बचा, और इसमें जब हम लोगों ने 0 लगाया तब जाके ये पूरी तरह से कटा। तो अब जो है यहाँ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2, अगर हम यहाँ पे पॉइंट इसका रखते हैं तो क्या होगा, तो ये इसमें आंसर ये आएगा, और ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर अब समझना है कि जो मैथ जो मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो जिसमें कम्प्लीटली कट जाए, तो इस तरह से हम बिना पॉइंट रखे उसको बना सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कम्प्लीटली कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इसीलिए हम बिना पॉइंट रखे अगर इसको बनाते हैं तो गलत होने की संभावना ही नहीं, गलत ही हो जाएगा। अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन बन सकता है लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते, और इसीलिए इसमें पॉइंट रख के ही बनाना होगा। तो पॉइंट रख के बनाते हैं तो सारा कम्प्लीटली सही बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर पॉइंट रखे हुए रहते और यहाँ पर 30 लेते तो पहले ही हमको पॉइंट लगा लेना पड़ता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर पहले ही पॉइंट है, 0.694 इस तरह से है, तो ये सही है, ये गलत है। तो पॉइंट नहीं रखने से आपका गलती होगा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा मेथड यहाँ पे मेथड आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा मेथड देके बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे सपोज इसी को लेते हैं, क्या करना है, 3 यहाँ पे 4 रख देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जब पॉइंट हटाएँ तो यहाँ से 1 आ गया और इसके बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद डिवाइड, ये हो गया डिवाइड 5। तो इसको जब हम सॉल्व करते थे क्या करते थे, फर्स्ट टर्म जो है सेम टू सेम रखना पड़ता था, और इसको 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को 1/5 इसको उलट दिए, तो ये क्या इससे कटेगा, तो इससे कटने वाला नहीं है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 347 और बाय यहाँ पर हो गया 500। तो 500 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब मेरा ये आंसर आ जाएगा, तो करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें डिवाइड करना है तो इसको रख लेते हैं, यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम होगा, इसको मिटा देते हैं, 500 यहाँ लेते हैं, 500 और यहाँ पे लेते हैं 347, ये हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तो ज़्यादा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 1 0 लगाएंगे हम, तो 5 कितने बार में जा रहा है, 5 6 500 का टेबल हम ऐसे पढ़ सकते हैं, तो 5 6 30 हो रहा है, तो 5 6 जा, तो ये 30 हो गया, और 30 पे 2 0 आ गया, इतना जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ 4 हो गया, ये तो कट गया, फिर 1 0 लगा सकते हैं इसमें, तो 5 9 जा 45 हो गया, तो 45 यहाँ पे डाल दिए,
कितना बचा 0 0, और यहाँ 2, और ये हो गया, ये कट गया, फिर एक 0 लगा सकते हैं इसमें, तो 5 4 20, ये 20 हो गया, और इस पर 2 0, तो यहाँ पर कट गया, तो इसमें ये करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से भी करके आप बना सकते हैं। तब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को पॉइंट रख के बनाना है, ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.84। तो फर्स्ट में हम पॉइंट के बाद इधर ले रहे हैं, तो फर्स्ट में हमको 0 पॉइंट लगा लेना होगा। उसके बाद जो है 4 2 8, 2 बार में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 8 हो गया, ये तो कट गया, 4 तो 4 1 4, ये हो गया, काफ़ी ईजी था, ये कट गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, 0.21, ये आंसर हो गया। और 2 नंबर में 3 से करना है, यहाँ पे 0.69 दिया हुआ है, तो पहले ही हम पॉइंट की इधर ले रहे हैं, तो पॉइंट हमको रख लेना, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेना होगा। उसके बाद 3 2 6 हो गया, ये गया, फिर 9 नीचे आ गया, 3 3 9, इसके नीचे 9, ये कट गया, तो आया कितना 0.23, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 2 से इसको लेना है, 2 से डिवाइड करना है, 2.46 दिया हुआ है। तो जैसे हम पॉइंट के इधर लेते हैं, अगर ये पूरी तरह कट रहा है, तो फिर हमें पॉइंट से पॉइंट के इधर ही रखना पड़ेगा, पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 1 2, एक बार में तो कट ही रहा है, तो ये कट गया। अब पॉइंट वाला हम पॉइंट के इधर लेंगे, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। अब 2 2 4, ये हो गया, 4 यहाँ पर आया, और इसके नीचे 4 आ गया, ये कट गया। अब इसके यहाँ पे आ गया 6, तो 2 3 6 हो गया, 2 3 6, ये कट गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 1.23, ये आंसर आ गया कंप्लीट। और इसी तरह से 4 इसको लेना है, कितना दिया हुआ है, 8.48, कितना हो गया, ये 4, तो 4 2 8 हो गया, पॉइंट किधर है, तो हम लोग को पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट किधर हम ले रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ लगाना होगा, तो यहाँ 4 आ गया ये, और 4 1 4 हो गया, 4 ये तो कट गया, फिर नीचे में 8 आया, 4 2 8, ये हो गया, ये कट गया, कितना हो गया, 2.12, ये आंसर हो गया।